देखेंगे पूरा कलरफुल टेबल दिख रहा है आपको, ठीक है। दो बॉक्स अगर आप देखेंगे रेड कलर है, बीच का बॉक्स आपको ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो ग्रीन कलर है, और लास्ट के जो दो बॉक्स है उसे आप येलो कलर में दिखेंगे, ठीक है। इसके लिए इसको कलर किया गया है सो दैट ब्लॉक बनाते समय कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो ब्लॉक किस तरह से बनाया गया है, ओके, लेट अस सी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चार ब्लॉक में डिवाइड किया है पूरे पीरियोडिक टेबल को, SPDNF। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए एस ब्लॉक रेड वाले जो कॉलम है, ठीक है, बॉक्स है, उसे एस ब्लॉक बोला गया है। ग्रीन में पी, डार्क ब्लू जो है उसे डी, और जो येलो कलर है उसे एफ ब्लॉक बोला गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक बीच वाला है, और जो येलो कलर बॉक्स है दैट इज़ एफ ब्लॉक, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज इट हैपन, व्हाई इट इज़ एस ब्लॉक, व्हाई इट इज़ पी ब्लॉक, व्हाई इट इज़ डी ब्लॉक एंड व्हाई इट इज़ एफ ब्लॉक। तो हम लोग एक एक ब्लॉक समझेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पहले हम लोग समझेंगे कि इसको नाम क्यों दिया गया है एस ब्लॉक, ओके। अब देखिए यहाँ पर बेस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हेनरी ने बताया, एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप वन एंड टू। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू। आप देख सकते हैं फर्स्ट है एंड सेकेंड है, बराबर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेट्स टेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ग्रुप वन में देखिए सोडियम है, और ग्रुप टू में देखिए मैग्नीशियम है। लिथियम बेरिलियम भी है, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम भी है, चलेगा। एग्जाम्पल खाली मुझे बताना है कि किस तरह से ग्रुप डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ये ग्रुप में से, सोडियम मैग्नीशियम ले लिया मैंने। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको सबको याद है, यहाँ पे लिखा है 11 भी। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। जैसे 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ने सीखा था, चार शेल्स होते हैं KLMN, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। तो पहले हमेशा 2 लिखा जाता है, फिर 8 लिखा जाता है, और फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 11 है, तो पहले 2 फिर 8, ठीक है। कैपेसिटी 80 है, 8 से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है क्योंकि 2 + 8 क्या होता है 10, और 10 + 1 क्या होता है 11। सो 2, 8, 1। वैसे ही अगर आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो 2, 8, 2। क्यों? क्योंकि 2 + 8 = 10, 10 + 2 = 12। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ एस ब्लॉक विल हैव आइदर 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑटोमोस ऑर्बिट। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप आगे निकालेंगे ये ब्लॉक में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है, लास्ट शेल मतलब ये वाला लास्ट शेल, ये देखिए ये लास्ट शेल है, ये लास्ट शेल है। जैसे सोडियम का भी बताया ना आपका 2, 8, 1, तो लास्ट शेल क्या हो गया, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल, मतलब ये लास्ट है। और मैग्नीशियम का भी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 2, बराबर है 2, 8, 2। तो 2 जो है आपका, तो ये जो 2 है ये लास्ट शेल में है, ठीक है। तो उसे इसके लिए उन्होंने बोला है कि ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, इसमें लास्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी लोग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे क्योंकि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मैग्नीशियम में। तो क्या करेंगे, बेटर है डोनेट करना अगर 282 है तो 2 लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2, 8 बच जाएगा। सो डोनेट इज़ मोर बेटर देन रैदर देन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसके लिए उन्हें मेटल बोला जाता है। हम लोग ने पढ़ा भी है लोअर स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड एज मेटल, एंड दोज एलिमेंट हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं
फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में ये सभी मेटल्स हैं, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो ओनली आउटरमोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड, दे आर कॉल एज नॉर्मल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है सोडियम के, और मैग्नीशियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। खाली एक ही शेल इनकम्प्लीट फील्ड है, बाकी सब शेल फर्स्ट और सेकेंड शेल बराबर फील्ड है, ठीक है। तो लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। सो दिस, ये पूरा ग्रीन बॉक्स जो है वो पी ब्लॉक है, ठीक है। उसमें 13 से लेकर 18 ग्रुप तक एलिमेंट्स आ गए हैं, ओके। पी ब्लॉक कंटेन ग्रुप 13 to 18। लेट्स टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यू एलिमेंट इन दिस ब्लॉक। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाकर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगर लेते हैं, सो व्हाट वी विल फाइंड, ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉक कंटेन 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, तो आप देखिए बोरोन, बोरोन में एटॉमिक नंबर क्या है, 5, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2.3। कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2.4। नाइट्रोजन 7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन था, फिर यहाँ पे 4, देन 5, देन 6, 7 एंड 8। सो वी कैन सी zigzag लाइन इन दिस ब्लॉक डिवाइड्स एंटायर पीरियोडिक टेबल इनटू 2 पार्ट्स। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आप देख सकते हैं रेड कलर का जो zigzag लाइन है, ये पूरे टेबल को डिवाइड करता है। ये क्यों zigzag लाइन ड्रॉ की है, दिस ब्लॉक कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। इसमें तीन चीज़ होती है, एक तो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होता है। किस तरह से आप एक टेबल में पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड्स है? तो इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि राइट हैंड साइड पे ऑफ zigzag लाइन, जो राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं आर ऑल नॉन मेटल्स, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल मेटल्स एंड ऑन द बॉर्डर ऑल आर मेटलॉइड्स। देखिए इस तरह से राइट हैंड साइड में आपके zigzag लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स में आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में zigzag लाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स में आते हैं, ठीक है। और अगर जितने भी बॉर्डर्स पे एलिमेंट है आप देख सकते हैं, जो भी रेड कलर के आप एलिमेंट्स देख सकते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, AS, आर्सेनिक, SB, ये देख सकते हैं, ये सब एलिमेंट, TPO, ये सब एलिमेंट ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, दे आर मेटलॉइड्स। दिस ब्लॉक कंटेन नॉर्मल एज वेल एज इनर्ट एलिमेंट। ये ब्लॉक में नॉर्मल एलिमेंट तो है ही, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब जिसका लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल हो, खाली एक ही शेल, ठीक है, वो तो बराबर है ही, इसमें इनकम्प्लीटली फिल। जैसे बोरोन का ले लो तो 2.3 है, तो लास्ट शेल 3 इनकम्प्लीटली फिल है। और इट कंटेन द इनर्ट एलिमेंट ऑल्सो। अगर आप जीरो ग्रुप की बात देखें, अगर आप 18 ग्रुप की ग्रुप देखें, दैट इज जीरो ग्रुप, उसे इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि दे आर इनएक्टिव, ओके, जो केमिकली इनएक्टिव है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो ये सब बातें थी पी ब्लॉक की, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डी ब्लॉक के ऊपर। नाउ यू कैन सी दिस ब्लू कलर बॉक्स, ओके, एंटायर बॉक्स इज कॉल्ड एज अ डी ब्लॉक। इसमें कितने ग्रुप्स है, 3 से लेकर 12 तक। ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस एलिमेंट्स हैव लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीटली फिल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे आयरन। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 2.8.14.2। अभी तक आपको खाली 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया है। लेटर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 4 शेल का, तो आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल आप खाली आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, ठीक है। सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट्स तक के एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर, वो सब आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट ये जो हायर एटॉमिक नंबर है 20 से ज़्यादा वाले, तो उनका आपको इतना याद नहीं रहेगा अभी के लिए, ठीक है, लेटर यू हैव टू स्टडी। तो अभी आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 2, 8, 14 एंड 2। तो 14 एंड 2 आप देख सकते हैं ये जो शेल है ये इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है।
दो शेल इनकम्प्लीट है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल सिंस दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके लास्ट दो शेल एलिमेंट के इनकम्प्लीट होते हैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। सो दिस वॉज अबाउट द डी ब्लॉक। नाउ लास्ट दैट इज एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के बारे में आप क्या देखेंगे कि लास्ट में जो येलो कलर के जो बॉक्स है पीरियोडिक टेबल में उसे एफ ब्लॉक बोला गया है। एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। दे हैव देयर लास्ट थ्री शेल्स इनकम्प्लीटली फिल। इसमें तीन शेल इनकम्प्लीटली फिल होते हैं। जो एक शेल इनकम्प्लीटली फिल होते हैं तो उसे नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। दो शेल इनकम्प्लीटली फिल होते हैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और तीन शेल इनकम्प्लीटली फिल होते हैं इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। उसे भी मेटल्स ही बोला जाता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं जिगजैग लाइन के। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, लेट अस सी नाउ। तो एस ब्लॉक आपने लास्ट वीडियो में देखा, अभी हम लोग ने पी डी और एफ कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन के कुछ जवाब आप दे सकते हैं, ट्राई करिए। इन ट्रांजिशन एलिमेंट लास्ट डैश शेल्स आर इनकम्प्लीटली। ट्रांजिशन में कितने शेल्स इनकम्प्लीटली फिल होते हैं? आंसर इज बी, टू शेल्स। पी ब्लॉक कंटेन डैश। पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें से, ए बी सी डी? सी ए, बोथ ए एंड बी, मतलब नॉर्मल एलिमेंट भी होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन इनर एलिमेंट भी होते हैं, नॉर्मल एंड इनर दोनों। इन डैश एलिमेंट ऑल द शेल्स आर कंप्लीटली फिल। कौन से एलिमेंट में पूरे शेल्स कंप्लीटली फिल होते हैं? इनर एलिमेंट है, नॉर्मल है, ट्रांजिशन है या इनर ट्रांजिशन? ऑब्वियसली इनर एलिमेंट, तभी तो वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं। चलिए इसका ट्राई करिए जवाब देने के लिए। ग्रुप वन एंड टू आर इंक्लूडेड इन डैश। एस ब्लॉक में ही आते हैं ना ग्रुप वन और टू। डी ब्लॉक कंटेन डैश। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइट्स आर प्रेजेंट इन द डैश ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एफ ब्लॉक में ही होते हैं, वो लास्ट में होते हैं। ओके चलिए और देखिए क्वेश्चंस, इसको ट्राई करिए। आई हैव ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हु एम आई? सभी एलिमेंट है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल है, तो कौन से ब्लॉक में वो पाए जाएंगे? एस पी डी एफ, पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स होते हैं। सोडियम बिलोंग्स टू डैश, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? एस ब्लॉक में, क्योंकि सोडियम एस ब्लॉक में। ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस इन डैश ब्लॉक। आंसर इज सी, दैट इज डी ब्लॉक। ओके इस तरह से क्वेश्चंस आपको मैंने इसके लिए बनाए ताकि एक बार आपने एक बार वीडियो देख लिया फिर आप अपने इसके